हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय एलिमिनेशन चैम्बर मैच कार्ड प्रेडिक्शन। जैसा कि फरवरी में आने वाला बड़ा पीपीवी एलिमिनेशन चैम्बर है, जो कि 17 फरवरी 2019 को टेक्सास के टोयोटा सेंटर में होगा। साल 2019 में ये पीपीवी दोनों ब्रांड का होगा। खास बात इस पीपीवी की, ट्रेडिशनल मैंस वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिमिनेशन चैम्बर पीपीवी के मैच कार्ड प्रेडिक्शन की। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। आप सभी को बता दूं, इस पीपीवी में केवल एक हफ्ते का समय बाकी है और इस पीपीवी के लिए अभी तक 4 मैचेस सामने आ चुके हैं, जिसमें से एक 205 लाइव से क्रूजर वेट चैंपियनशिप। WWE के सामने सबसे बड़ी चुनौती दोनों ब्रांड के बड़े बड़े सुपरस्टार के बिना इस पीपीवी को फैंस की नजर में हिट कराना होगा। दोनों ब्रांड के बड़े बड़े सुपरस्टार में सेथ रॉलिंस, डीन एम्ब्रोस, शार्लेट फ्लेयर, बैकी लिंच, ब्रॉक लेसनर शायद इस पीपीवी में हमें नहीं दिखाई देंगे। शुरुआत करते हैं मैच कार्ड्स की। फर्स्ट मैच हमें अकीरा टोजावा वर्सेस बड़ी मर्फी के बीच क्रूजर वेट चैंपियनशिप के लिए दिखेगा। हाल ही में रॉयल रंबल पीपीवी में बड़ी मर्फी ने अपना टाइटल अकीरा टोजावा, हिदियो इतामी और कलिस्टो के सामने आसानी से डिफेंड कर लिया था। इस मैच में अकीरा टोजावा भी देखने को मिले थे। ये मैच काफी अच्छा होगा क्योंकि इस मैच में बहुत ज्यादा हाई फ्लाइंग मूव्स दिखेंगे और ये मैच शायद इस पीपीवी के किक ऑफ शो में होगा। नेक्स्ट मैच हमें रूसेव वर्सेज आर्ट्रूथ वर्सेज नाकामुरा के बीच यूएस चैंपियनशिप के लिए दिखेगा। हाल ही के स्मैकडाउन के एपिसोड में हमने देखा था कि आर्ट्रूथ ने कैसे नाकामुरा को हराकर टाइटल जीता था और उसके बाद बैक टू बैक दूसरे मैच में उन्होंने रूसेव के खिलाफ अपने टाइटल को सक्सेसफुली डिफेंड करा था, जिसके बाद नाकामुरा और रूसेव एक हो गए हैं और इन दोनों के बीच हम पहले काफी तगड़ी फ्यूड देख चुके हैं, जिसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि एलिमिनेशन चैंबर पीपीवी में इनके बीच मुझे ट्रिपल थ्रेट मैच होता हुआ दिख सकता है। नेक्स्ट मैच हमें आस्का वर्सेस लेसी इवान के बीच स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए दिख सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी इस पीपीवी में ज्यादा समय बाकी नहीं है और इन दोनों सुपरस्टार के बीच हमें अभी कोई फ्यूड भी देखने को नहीं मिली है, बट स्मैकडाउन की ज्यादातर वुमेन्स बिजी हैं एलिमिनेशन चैम्बर टैग टीम चैंपियनशिप मैच के लिए और शार्लेट फ्लेयर और बैकी लिंच शायद हमें इस पीपीवी में देखने को नहीं मिलेंगी। तो बहुत हद तक उम्मीद है कि ये मैच देखने को मिल सकता है और काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आस्का इस पीपीवी में अपना टाइटल डिफेंड ही ना करें। नेक्स्ट मैच हमें रोंडा रोजी वर्सेज रूबी राइट के बीच रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच दिख सकता है। इस मैच के होने के चांसेस इस वजह से भी लगते हैं क्योंकि रॉ की बड़ी फीमेल सुपरस्टार ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं वुमेन्स एलिमिनेशन चैंबर के लिए और इस वीक हुई रॉ में हमें रोंडा रोजी के बैक टू बैक दो मैचेस देखने को मिले थे राइट स्क्वाड की दो मेंबर्स के साथ। तो काफी हद तक उम्मीद है कि हमें इस पीपीवी में ये मैच होता दिख सकता है इन दोनों सुपरस्टार के बीच। नेक्स्ट मैच हमें रे मिस्टीरियो वर्सेस आंद्रादे के बीच दिख सकता है। इन दोनों सुपरस्टार के बीच फ्यूड काफी लंबे टाइम से चलती आ रही है और इस हुए स्मैकडाउन में हमें आंद्रादे की साइड से रे मिस्टीरियो पे जबरदस्त अटैक होता हुआ भी दिखा था, जिसके बाद काफी हद तक उम्मीद है कि WWE इन दोनों सुपरस्टार को इस पीपीवी के लिए बुक कर सकती है। नेक्स्ट मैच हमें बॉबी रूट चैट गेवल वर्सेस रिवाइवल के बीच रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच दिख सकता है। इन दोनों टीम्स के बीच हम पहले भी काफी ज्यादा टाइटल मैच देख चुके हैं, बट रिवाइवल को उन मैचेस में कुछ ज्यादा बड़ा हाथ नहीं लगा है। रिवाइवल ने कुछ दिन पहले WWE से रिलीज कर देने की मांग भी करी थी, कहीं ऐसा तो नहीं WWE ने रिवाइवल को लेकर अब कुछ बड़ा प्लान कर लिया है। तो ये मैच होता हमें दिख सकता है इस चैम्बर पीपीवी में। नेक्स्ट मैच हमें मिज शेन मैकमैन वर्सेस उसोस के बीच स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच दिखेगा। ये मैच ऑलरेडी बुक हो चुका है। इस वीक हुई स्मैकडाउन के एपिसोड में उसोस ने तीन बड़ी टैग टीम को हराकर इस स्पॉट पे कब्जा करा है। देखना होगा कि उसोस मिज और शेन मैकमैन को कैसी चुनौती देते हैं और मिज और शेन मैकमैन क्या अपना यहाँ स्मैकडाउन का टाइटल बचा पाते हैं या नहीं। नेक्स्ट मैच हमें बॉबी लेशले वर्सेस फिन बेलर के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मैच दिख सकता है। रॉयल रंबल में ब्रॉक लेसनर के सामने तगड़ी परफॉर्मेंस देने के बाद फिन बेलर को इंटरप्ट करा बॉबी लेशले ने और उन पर अटैक भी करा था। हाल ही के रॉ के एपिसोड में बॉबी लेशले के साथ आने वाले लियो रश ने फिन बेलर को मैच के लिए चैलेंज करा। उस मैच में फिन बेलर ने लियो रश को बुरी तरह से हराया था। तो इस मैच के होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं और WWE इनकी फ्यूड को शायद आगे लेकर जाएगी। नेक्स्ट मैच हमें फर्स्ट एवर वुमेन टैग टीम टाइटल के लिए एलिमिनेशन चैम्बर मैच दिखेगा, जो कि ऑलरेडी बुक हो चुका है। इसमें शाशा बैंक्स बेले वर्सेस नाया जैक्स तमीना वर्सेस द राइट स्क्वाड वर्सेस द आइकॉनिक्स वर्सेस मैंडी रोज सोनिया डेविल वर्सेस नयोमी और कार्मेला के बीच दिखेगा। देखना होगा कि एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर ये मैच कैसा दिखता है और कौन यहाँ से पहली वुमेन टैग टीम चैंपियन बनती है।
मेन इवेंट में हमें WWE चैंपियनशिप के लिए डेनियल ब्रायन वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस समोआ जो वर्सेस मुस्तफा अली वर्सेस जेफ हार्डी वर्सेस एजे स्टाइल्स के बीच दिखेगा। इस मैच का अनाउंस ट्रिपल एच ने कुछ हफ्तों पहले करा था। रॉयल रंबल में डेनियल ब्रायन ने सक्सेसफुली अपना टाइटल डिफेंड करा और स्मैकडाउन के बड़े बड़े सुपरस्टार ने आके डेनियल ब्रायन को एलिमिनेशन चैम्बर के लिए चैलेंज करा, जिसके बाद ट्रिपल एच ने इस मैच को अरेंज कर दिया। अब देखना होगा कि इस मैच में कौन सबसे ज्यादा इंप्रेस करता है और क्या डेनियल ब्रायन इन सब सुपरस्टार के सामने अपना टाइटल डिफेंड कर पाते हैं या नहीं। तो फ्रेंड ये था एलिमिनेशन चैम्बर पीपीवी का मैच कार्ड प्रेडिक्शन जो मैंने आपके सामने रखा। शायद इस पीपीवी में कुछ सुपरस्टार हमें नहीं दिखेंगे। आपको कैसा लगा इस पीपीवी के लिए मैच कार्ड? क्या ये मैच फैंस की नजर में अच्छे होंगे और क्या ये इस पीपीवी को हिट बना पाएंगे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।